स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटी साई गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं संयोजन के सिद्धांत। अभी तो आपने इससे पहले पढ़ा था कला के तत्व, कला के तत्व के बारे में ही सब आपने मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था, कला के अंग के बारे में भी कंप्लीट करा दिया था। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर संयोजन के सिद्धांत है। संयोजन के सिद्धांत में हम देखेंगे कि क्या क्या करना है। ये चीज है, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी, ये कला के तत्व का ही रूप है, यानी कला के तत्व को किस प्रकार से संयोजित करना है, यहाँ पर हम आपको सब कुछ बताएंगे। कला को किस प्रकार का संयोजन करना है, यानी कैसे कंपोज करना है, यही चीज है। जैसे कि आपने कला के तत्व में पढ़ा था कि रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, जितना भी सब कुछ पढ़ा था, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि हम इसको किस प्रकार से संयोजित करते हैं। अब देखो, संयोजन पहले जान लेते हैं कि संयोजन होता क्या है। जैसे कि बिखरी हुई वस्तुएं होती हैं, जैसे कोई भी हमारी बिखरी हुई वस्तुएं हैं, जैसे कि अगर हमें कलर्स मिल गए, लाइन मिल गए, अगर हम उसको प्रकार को कैसे संयोजित करेंगे, बस यहीं पर यही चीज इसमें बात कही गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे तीन शेप ले लिए हैं, ट्रायंगल ले लिया है, यहाँ पे सर्कल ले लिया है, और यहाँ पर आपका ये वर्ग ले लिया, स्क्वायर ले लिया है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर में देखेंगे, सर्कल में देखेंगे, मतलब स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, यानी कि आपका ये वो गोला हो गया, और यहाँ पे आपका त्रिभुज हो गया, और ये वर्ग हो गया। अब ये तीन चीजें हमारे पास, यानी कि स्क्वायर को और सर्कल को, त्रिभुज ये जो है ट्रायंगल, तो उसको हम कैसे प्रकार से संयोजित करेंगे। यहाँ पे मैंने तीन चार मतलब पांच में इसको किस तरीके से हम संयोजित कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने दिखाया है। यहाँ पर देखो, मैंने पिक्चर्स नहीं दिखाया, इतना तो है नहीं कि इतना पूरा पिक्चर्स बना बना के दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए थोड़े से आपको शेप ले ली है कि आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये वाला फॉर्म है, यानी कि ये वाला शेप है, तो अगर हमने को तीन शेप है हमारे पास, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, अब इसी को शेप को यहाँ पर रखा गया है। देखो, ये जो स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर यानी कि वर्ग जो है, वर्ग यहाँ पर आ गया है, ट्राइंगल यहाँ पर आ गया है, और सर्कल यहाँ पर आ गया है, मतलब इस प्रकार से भी संयोजित कर सकते हैं। अब ये दूसरा है, तो इस प्रकार से भी यहाँ पर भी आपको तीन दिख रहे होंगे, ये जो है तीन नंबर पर, यहाँ पर भी तीन दिख रहे होंगे, इसमें भी स्क्वायर है, यहाँ पे सर्कल है, और यहाँ पे आपका ट्राइंगल है, और यही चीज है चार नंबर पे, चार नंबर भी बिल्कुल सेम वैसी ही चीज है जो मैं आपको यहाँ पे तीन नंबर तक बता रही हूँ। अब ये जो पांच नंबर है, ये भी वहीं पर है, बस यहाँ पर क्या बताया गया है कि किस प्रकार संयोजित करना है, बस इनके अलग अलग तत्व जो है, इनके अलग अलग नाम दे दिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर जो पॉइंट है, सहयोग, मतलब सहयोग और एकता। सहयोग से पता लग रहा होगा कि यहाँ पे एकता की बात कर रहा है, यूनिटी की बात कर रहा है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसी की बात कर रहा है कि हमारा कोई भी, अगर हम कोई भी पिक्चर बनाते हैं, कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ती है कि हमारा कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसकी कोई थीम होनी चाहिए। अगर हम थीम है, तो थीम पर हमें उसका सहयोग दिखाना है, उसकी यूनिटी ऐसी दिखानी है कि हमारा जो एक सब्जेक्ट है, यानी कि एक विषय है, उस पर हमारा ध्यान जाए। यहाँ पर वही चीज बात कर रहा है कि अनेक आकर्षण केंद्रों से बचाना है। कोई भी आकर्षण केंद्र हो, उसमें चाहे कितने भी, अगर हम छह सात पिक्चर बना देते हैं, अगर हमारा एक पिक्चर है, तो हमारा एक पिक्चर पर ज्यादा हमारा माइंड अट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो यही चीज इसका उद्देश्य है। सबसे पहले चीज उद्देश्य आपको ध्यान है कि उद्देश्य क्या है। देखो, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई से भी क्वेश्चन होंगे, तो उसकी भी मैं, जैसे कि कोई प्रैक्टिस सेट है, देखो कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आर्ट का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी मैं प्रैक्टिस सेट में डाल दूंगी, अगर जो भी स्टूडेंट जो भी है लाइक, मतलब जो स्टूडेंट नए हैं, जो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिए, और कमेंट तो करते ही रहिएगा कि ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपको भी मोटिवेट करती रहूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे उद्देश्य की। यहाँ पे तत्वों का सहयोग, यहाँ पे तत्वों का सहयोग है, तो तत्वों के सहयोग की बात कर रहे हैं। वही चीज मैं बता रही थी कि जो हमारे एलिमेंट्स है, उन्हें तत्वों को सहयोग करा जाता है, यानी कि यूनिटी ऐसी दिखाई जाती है कि ताकि हमारा, अगर हम कोई भी डार्क लाइन कर रहे हैं, कहीं पर हमने डार्क लाइन बनाई है, तो यहाँ पर ऐसी लाइन दिखानी है, ये नहीं कि सबने डार्क लाइन बना दी है तो बिल्कुल हमारा ध्यान इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो हमारा एक ही, अगर हम लाइन पर भी एक ही विषय पर काम कर रहे हैं, तो हमें उसको भी अच्छी तरीके से करना है। अगर हम कलर भी दिखा रहे हैं कोई भी पिक्चर्स में, तो उसको भी अच्छे से करना है। यही चीज बता रहा है कि इसमें तत्वों का सहयोग होता है, यानी कि उसको बहुत अच्छे से आपको एडजस्ट करना है, यानी कि संयोजित करना है, उसको एक ऐसा, मतलब ऐसे ऐसे तरीके से रखना है कि ताकि आपका ध्यान अलग अलग तरीकों से, मतलब अलग अलग ध्यान आपका, मतलब ध्यान केंद्रित ना हो, मतलब इधर उधर ध्यान केंद्रित ना हो, यानी एक ही विषय पर हो। ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विषय पर ध्यान केंद्रित करना है। अब यहाँ पर आते हैं कि प्रकार की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सहयोग,
प्रकार की बात करते हैं कि सहयोग और एकता होता क्या है, तो सहयोग यूनिटी के बारे में बताएंगे कि यूनिटी होती है दो प्रकार से होती है, नंबर वन होती है सम और नंबर टू होती है असम। देखो सम अंतराल में क्या करेंगे कि सम अंतराल में जो होता है कि वो सम वर्णों की यानी कि सम वर्णों की पुनरावृत्ति, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्णों की ही हो, चाहे आपकी रेखा भी हो सकती है, चाहे आप रूप का भी हो सकता है, यानी कि उसको सम तरीके से यानी कि एक समान तरीके से आप पुनरावृत्ति करके भी दिखा सकते हैं। ये आसान होता है, ये सम होता है, ये सरल होता है, तो हम उसको पुनरावृत्ति करके भी दिखा सकते हैं। अब नंबर टू आता है यहाँ पे असम का, असम आता है बिल्कुल असम, बिल्कुल सेम वही चीज है। यहाँ पे देखो बहुत सारे इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे आपको यहाँ पे एक जैसे लगेंगे कि ये बिल्कुल सेम सेम है, क्योंकि जब मैं अभी स्टार्टिंग में कभी मैंने अपने टाइम में पढ़ा था तो मैंने मुझे भी एक जैसा लगता था, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करा था तो इसको भी बहुत टाइम लगा था मुझे समझने में, तो मैं चाहती थी कि आपको इस तरह से समझा दूं कि ताकि आपको मेरे जैसी प्रॉब्लम ना क्रिएट करना पड़े, ठीक है। अब नंबर टू है तो आपका यहाँ पे असम और जटिल। देखो असम और जटिल में क्या होता है कि तत्वों का मतलब तत्वों को ऐसे रखा जाता है, चाहे अगर अगर हमारा साइड में भी बना हो चित्र या इधर भी बना हो, तो हमारा बिल्कुल ध्यान एक जो विषय है यानी कि एक जो हमारी कोई ना कोई हमारा एक ही हीरो होता है, ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर पिक्चर होती है, जैसे अभी पिक्चर मूवी भी देखते हैं तो आप मूवी में भी देखेंगे कि कोई भी एक पार्ट आपको बिल्कुल अलग दिखेगा, अगर भीड़ भी है तो आप भीड़ में भी पहचान लेंगे कि इसका नायक कौन है या फिर उसकी नायिका कौन है, तो आप बिल्कुल आसानी से समझा सकते हैं कि हाँ कि कौन सा होगा। वही चीज इसमें यही है, तत्वों का सीमित प्रयोग, मतलब ऐसा भी नहीं कि तत्वों को बिल्कुल सब सारे ही ऐसे ऐसे कर दिया, तो उसमें सीमित प्रयोग करना है, कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा ही कर दिए, बिल्कुल अपने तरीके से अच्छे से करना है कि ताकि एकदम यूनिटी उसमें लगे कि हाँ कि अगर कलर्स रखे हैं तो कलर्स भी अच्छे होने चाहिए, रेखा का यूज करा है तो रेखा भी होना चाहिए, रूप का अगर दे रहे हैं तो रूप भी अच्छे होने चाहिए, तो ये चीज इसमें बात पर ध्यान रखना है। अब आप बात करते हैं नंबर टू, सामंजस्य। सामंजस्य यानी कि हार्मनी जो बहुत होती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे थे, इसमें क्या होता है कि तत्वों का मेल होता है। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पर विषय के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर केंद्रों के बारे में, मतलब कोई भी मतलब अट्रैक्ट करे, कोई भी एक विषय है वहां पर। अब यहाँ पे बात कर रहा है सामंजस्य, तो सामंजस्य में क्या होता है कि जैसे कि अगर हमने यहाँ पर देखो स्क्वायर बनाया है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाया है या फिर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आप देखेंगे कि जैसे कि अगर हमने कोई भी चीज यहाँ पर बना दी है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखो बराबर में दोनों का एक तो हो जाता है, बराबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी किस तरह से हम रेखा को रख सकते हैं, यही चीज में बता रहे हैं कि जैसे कि हमारा अगर ये विषय है तो ये विषय में मतलब इसमें कैसा सामंजस्य करना है, ये चीज आपको यहाँ पर दिखानी है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मान लो कि जैसे कि आपके कमरे में पर्दे लगाने हैं, जैसे कि आपके कमरे में पर्दे लगाने हैं, पर्दे ऐसा तो नहीं कि एक दूसरा कलर में लगाएंगे, एक अलग लगा दिया मतलब दूसरे कपड़े में लगा दिया या फिर दूसरा अलग टेक्सचर में लगा दिया और एक चिकने में लगा दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन आप वही चीज करेंगे, आप रूप भी अगर ले रहे हैं तो उसका भी सामंजस्य देखेंगे कि हाँ इसके साथ ये कलर अच्छा लगेगा, या इसके साथ कंट्रास्ट में भी अगर लगाते हैं तब भी आप उसमें देखते हैं, उसमें वर्ड देखते हैं कि हाँ इसके साथ ये कलर जाएगा। अगर रूप की बात करेंगे तो रूप में भी ये देखेंगे कि अगर हमारा कोई और सभी कलर है, अगर हमने दूसरे कलर का लगा दिया तो हम बिल्कुल उसमें सामंजस्य, कोई भी अगर हम कोई भी घर में कोई भी चीज भी रखते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, तो वही चीज है यहाँ पर भी सामंजस्य की बात कर रहा है कि यही कि हमें कैसा हमें पिक्चर्स में कैसी कैसी चीजें रखनी है, ठीक है। अगर हमें कोई मान लो यहाँ पर ये जैसे कि अगर हमने कोई कैटल बनाई है तो उसके साथ हमें क्या रखना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हम रख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने बॉल रख दी है, ऐसा भी तो नहीं, कम से कम इससे रिलेटेड होना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर कर रहा है। देखो रेखा का तो मैंने बता दिया है कि रेखा का भी अपना सामंजस्य होना चाहिए कि देखो ये सामंजस्य उत्पन्न कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी अगर हम शेप बना रहे हैं तो ये कोई सामंजस्य उत्पन्न करता है। देखो अब हम वर्ड की बात कर रहे हैं, देखो अभी हमने रेखा की बात कर ली, यहाँ पे रूप की बात कर ली, अब हम बात करते हैं वर्ड की। देखो वर्ड में अगर हम वर्ड का यूज करते हैं सामंजस्य में तो क्या करते हैं कि जैसे कि अगर हम गर्म रंग यूज करते हैं, जैसे कि हम गर्म यूज करते हैं, गर्म रंग जो यूज करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि मतलब ऐसा मान के चलिए कि कोई भी बड़ी चीज होती है तो उसमें हम ठंडे लिए मतलब बड़े क्षेत्रफल के लिए हम ठंडे रंग का यूज करते हैं, और जो छोटी चीज होती है उनके लिए हम गर्म कलर यूज करते हैं। गर्म रंग तो आप जानते ही होंगे कि जितने भी कंट्रास्ट में होते हैं, जैसे कि येलो कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ये सब हमारे कौन से कलर हैं, ये हमारे सारे के सारे कौन से कलर हैं, गर्म रंग होते हैं, तो इनको हम बहुत अच्छा से अच्छे तरीके से रखते हैं कि ताकि हमें बहुत कम रखते हैं, छोटी छोटी चीजों में रखते हैं, ये नहीं कि बड़ी बड़ी चीजों में, तो हमारा
हमारा जो अट्रैक्शन होगा यानी कि जो आकर्षण होगा यानी कि भार होगा, भार या आकर्षण बोल सकते हैं, भार को ही आकर्षण बोलते हैं, अगर हमारा भार या आकर्षण अगर हमारा उधर स्थापित हो जाएगा तो हमारी बिल्कुल पेंटिंग बिल्कुल चित्र बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो गर्म रंग का यूज करना है वो छोटे चित्रों के लिए करना है, छोटी छोटी चीजों के लिए यूज करना है कि ताकि अगर हम अगर मान लो बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारे लोग पब्लिक भी हैं, अगर उसमें एक पिक्चर हमने गर्म रंगों का यूज करके बना दिया है तो आप बिल्कुल वही चीज अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि जो हमारे गर्म रंग होते हैं उनकी वेव लेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये तो आप जानते ही हैं। और वेव लेंथ सबसे ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है, रेड कलर की होती है, ये तो मैंने आपको कलर्स में बता ही दिया था। तो ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक इसका अपोजिट होता है, वही चीज ठंडे रंग को लिए बड़े चित्रों के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे बता ही दिया है कि मैंने वर्ण रंगों का भार मतलब अधिक होता है और ये इनका कम होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट है संतुलन। संतुलन में क्या देखेंगे कि जैसे कि संतुलन हो गया, संतुलन भी दो प्रकार के होते हैं कि जैसे कि सम हो गया असम हो गया, जैसे औपचारिक और ये अनौपचारिक, औपचारिक मतलब फॉर्मल और ये अनौपचारिक इनफॉर्मल। अब देखो यहाँ पे आप देख लोगे कि सम में क्या करते हैं कि संतुलन मतलब बैलेंस, कोई भी पिक्चर का अगर हम ऐसा बैलेंस बनाए यानी कि पिक्चर्स को हम इधर उधर भी रख रहे हैं तो बहुत वो असम में आ गया, असम में आ गया पिक्चर्स हो गया। जो सम में जो आपको मैंने इससे पहले मतलब कला के तत्व में पढ़ाया था अंतराल के बारे में कि मतलब हमारा अंतराल भी एकदम सम विभक्त अंतराल होता है, एक असम मतलब असम विभक्त अंतराल होता है, उसी तरीके से हमारा ये सम और असम होता है। मतलब अगर हम फॉर्मल में बना रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने ताजमहल का चित्र सबने ही देखा होगा कि ताजमहल के चित्र को बिल्कुल एकदम सम विभक्त अंतराल में मतलब उसको एकदम ऐसे बैलेंस करा गया है, बिल्कुल एकदम बराबर में बैलेंस किया गया है, तो आप चित्र देख के ही समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे असम यानी मतलब औपचारिक की बात करते हैं, तो औपचारिक में क्या करा गया है कि अगर हम कोई भी चीज यहाँ पे बना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हम इधर उधर बना रहे हैं, अगर हम पेज की साइड में बना रहे हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया है तो स्क्वायर में हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि स्क्वायर ऐसा होना चाहिए कि अगर हम असम में भी बना रहे हैं मतलब साइड में भी बना रहे हैं तो ऐसा उसको रखेंगे, मतलब उसका संयोजन ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा उसका संतुलन मतलब ऐसा रखेंगे कि दोनों का मतलब हर तरीके से उसका मतलब भार बराबर होना चाहिए। यहाँ पर तो बात कर रहा है सामंजस्य की बात कर रहा है, यहाँ पर ये चीज है मतलब यहाँ पर बात कर रहा है बैलेंस, मतलब ऐसा बैलेंस होना चाहिए, मतलब पिक्चर्स ऐसी रखनी चाहिए कोई भी पिक्चर्स हो गई कि उसको उसका मतलब हर तरीके से बराबर होना चाहिए। अगर हम असम में भी रख सकते हैं, सम में तो बराबर होगा ही, असम में तो हम अगर ऐसा करेंगे ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान उधर की तरफ ज्यादा जा रहा है या फिर साइड की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो ऐसा हम इस दिन में भी याद रखते हैं। जैसे कि आपने स्टिल लाइफ भी मतलब मान के चलिए जो वस्तु चित्रण होता है, स्थिर चित्रण जो होता है वो भी आपने देखा होगा कि जैसे कि बहुत सारे मतलब ये जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका स्टिल लाइफ को इससे ये हो गया, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे करके भी रख सकते हैं कि असम मतलब असम में भी रख सकते हैं, साइड में भी बना सकते हैं, इधर साइड में भी हम कर्टेन्स भी डाल सकते हैं, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं असम में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर ये प्रभाविता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। देखो प्रभाविता क्या होता है, डोमिनेंस, इंग्लिश में बता दूं डोमिनेंस होता है, यहाँ पे तो मैंने इंग्लिश में मेंशन कर रखा है तो आप देख सकते हैं। देखो प्रभाविता क्या होता है, देखो प्रथम दृष्टि, देखो प्रथम यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रथम दृष्टि महत्वपूर्ण तत्व यानी कि जो यहाँ पर हमारा जो तत्व है, जो हमारा तत्व है कि जो महत्वपूर्ण दृष्टि, यही चीज इसमें ये और ये लगभग दोनों ही एक जैसे ही लगते हैं, तो इसमें बस ये चीज करना है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य करना है आपको मैंने अच्छी तरीके से बता ही दिया है कि आप इसको भी बिल्कुल अलग तरीके समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पे प्रथम दृष्टि महत्वपूर्ण तत्व है कि यहाँ पे जो प्रथम दृष्टि पड़ती है यानी कि तत्वों पर जो प्रथम दृष्टि पड़ती है वही हमारा मतलब प्रभाविता होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि एक रास्ता को समाप्त कर, यानी कि ऐसा ना हो कि हमारी कोई भी चीज हो कि सारी की सारी हमारी वहां पे सब अट्रैक्ट कर रही है सारी चीज, इसमें एक ही चीज करनी चाहिए, मतलब एक ही रास्ता को, मतलब यहाँ पे तीनों चीज का है, यहाँ पर सिर्फ एक ही की बात कर रहा था, यहाँ पर सिर्फ एक सहयोग एक विषय के बारे में बता रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रभाविता के बारे में यहाँ पे तीन चीजों की बात कर रहा है कि मुख्य आकृति को महत्व देना है, यानी कि नंबर 1 मुख्य आकृति को महत्व देना है, नंबर 2 यहाँ पर ये भी कह सकते हैं एक रास्ता को समाप्त कर आकर्षण, यानी कि कोई भी एक रास्ता है तो उसमें मतलब बता सकते हैं कि उसको एक रास्ता को समाप्त कर आकर्षण उत्पन्न करना है। 3 नंबर ऐसा है कलाकृति में व्यवस्था तथा एकता को मतलब एकता उत्पन्न करना है, मतलब ऐसा व्यवस्थित करना है कि उसमें एकता यूनिटी उत्पन्न हो, मतलब उसमें
ध्यान देना है, इसमें भी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पर तीन चीजें यहाँ पर कार्य करनी है, इसका उद्देश्य यहाँ पर है। ये एक रस्ता को समाप्त, मतलब कोई एक रस्ता होती है तो एक रस्ता को समाप्त करता है, और ये मुख्य आकृति को भी महत्व देता है। और नंबर थ्री है कलाकृति में व्यवस्था का जो है उसका जो यहाँ पे जो संयोजन है, यहाँ पे जो कलाकृति में होता है वही एकता उत्पन्न करता है। यहाँ पे जैसे अगर मुख्य आकृति के देखो, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए मान लिया है जैसे पद्मपाड़ी और माता पुत्र। जैसे आपने पद्मपाड़ी का चित्र देखा है, जैसे अजंता का पद्मपाड़ी आपने चित्र देखा होगा जो गुफा नंबर एक में है, तो आप जानते ही हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा वहां पे बुद्ध का, जैसे माता पुत्र में भी बुद्ध का, मतलब माता पुत्र और पद्मपाड़ी दोनों में ही बुद्ध का चित्र है, आपने बुद्ध का चित्र देखा होगा, तो वहां पे एक ही विषय पर ज्यादा अधिक ध्यान दिया है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे और भी पिक्चर्स बनी हुई है, लेकिन आप बिल्कुल दिखा सकते हैं कि हाँ एक ही पिक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ कि ये हमारी कौन सी क्या संतुलन, तो हम बता सकते हैं कि हमारा ये प्रभाविता को प्रभावित करता है। ठीक है, ये चीज यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पद्मपाड़ी में कौन सा ये, मतलब इसमें संयोजन के सिद्धांत में कौन सा आएगा, तो कौन सा आप बता सकते हैं, तो आसानी से बता सकते हैं। दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से बता सकते हैं कि इसमें प्रभाविता को दिखाया गया है, कि मतलब प्रभाविता मतलब एक विषय को मतलब ऐसे इस तरह से बना दिया है ताकि हम उसको आसानी से देख सके। नंबर फाइव में यहाँ पे प्रभाव, देखो प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रभाव को हम लय भी बोलते हैं, ताल भी बोलते हैं, ये भी बता सकते हैं कि मतलब बहुत सारे, पहले से मैं बात बताती जा रही हूँ कि कोई सी भी जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, वो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, मैं सबके लिए बता रही हूँ कि वो हिंदी पर भी ज्यादा ध्यान दें, इंग्लिश पर भी ध्यान दें, क्योंकि ऐसा होता है कि इंग्लिश को प्रोनंशिएट कर दिया जाता है हिंदी में कि रिदम बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पे प्रभाव भी बोल सकते हैं, प्रभाव को भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, लय को भी कर सकते हैं, या फिर ताल को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि जो प्रभाव क्या होता है, प्रभाव में तो आप बिल्कुल आसानी समझ गए होंगे कि प्रभाव तो आपने पढ़ा ही है, रेखा में पढ़ा होगा कि प्रभाव कितनी प्रकार की होती है या फिर लय कितनी प्रकार की होती है, तो यहाँ पर भी मैंने बता ही रखा है, तो आपने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया होगा कि चित्रभूमि पे प्रवाह का मतलब ही होता है कि गति से रिलेटेड हो गया, गति से संबंधित हो गया, कि चित्रभूमि पर दृष्टि का स्वतंत्र रूप से विचार मतलब गति करना होता है, मतलब इसका जो जो इसका मोटिव है, यानी कि जो इसका एम है या जो इसका लक्ष्य है या उद्देश्य है, वो इसमें गति स्थापित करना होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्र में प्राण आता है, तो यहाँ पे देखो प्रवाह होता है, प्रवाह में गति होती है, तो गति में क्या होता है कि प्रवाह में प्राण आता है, मतलब चित्र एक लयात्मक मतलब एकदम जीवित हो जाती है, वो और ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है अगर हम प्रवाह में, अगर हम प्रवाह की लाइन बनाते हैं या फिर प्रवाह को हम एकदम करते हैं, कोई भी पिक्चर्स बनाते हैं, तो अगर हम प्रवाह को हम करते हैं अगर इसमें, तो यहाँ पर हमारा चित्र में भी प्राण आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रवाह, देखो कोई भी अगर हम कोई भी लाइन है तो मतलब कोई भी उलझन नहीं पैदा करता है, अगर हम प्रवाह से रिलेटेड, यानी कि कोई हम लयात्मक रेखा से बनाए या फिर कोणीय रेखा से बनाए या फिर हम सरल रेखा से बनाए, तो हमारा क्या है कि ये हमारा कोई भी मतलब कोई भी उलझन पैदा नहीं करता है। अब ये देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे प्रकार की बात करते हैं, प्रकार दो प्रकार के होते हैं, देखो दो प्रकार से होते हैं, तो आप जान सकते हैं कि मतलब सरल रेखा और वक्र रेखा होती है, नंबर एक होती है सरल रेखा और नंबर टू होती है वक्र रेखा। दो सरल रेखा तो आप जानते ही हैं कि सरल रेखा बिल्कुल सीधी खींची जा सकती है, और जो वक्र रेखा होती है वो क्या करते हैं आप, मतलब दो प्रकार से होते हैं, एक कोणीय होती है और एक नंबर टू लहरदार होती है। जो इसमें सिक्स पॉइंट रह गया है आपको मैं बता दूं कि सिक्स पॉइंट है जो प्रमाण है, जो प्रमाण का मैंने आपको पहले से ही बता दिया है पूरा, जो उसमें है कला के तत्व में, कला के अंग में है, यहाँ पे अंग में आप देख सकते हैं मेरी वीडियो है, तो यहाँ पे आप कला के अंग में प्रमाण का मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, जो सिक्स पॉइंट है तो पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं प्रमाण के बारे में क्या कहा मैंने, प्रमाण का पूरा जो है इसे संबद्धता का सिद्धांत भी बोलते हैं, और ये सब पूरा मैंने इसका पूरा कंप्लीट बता दिया, बहुत अच्छे से बताया है, कि आई होप कि आपको वीडियो को बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट तो जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, आपको यहाँ से बहुत अच्छा मैटर मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये भी था कि यहाँ पे आधुनिक कला से मतलब आधुनिक कलाकार होते हैं तो उनसे रिलेटेड भी वीडियो लेकर आए तो ज्यादा अच्छा है, तो मैं बिल्कुल लेकर आऊंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।